नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देख रहे हैं NH1 न्यूज़। नेशनल यूथ फेस्टिवल जम्मू में कुछ और पार्टिसिपेंट्स इस वक्त यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं। डोगरी फोक जो है इन्होंने अभी गाया है, तो आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रीतम कुमार है। अभी आप यहां पर परफॉर्मेंस दे के आए हैं, तो डोगरी फोक जो है आपका थीम था जी? हाँ जी, हाँ जी। तो कितनी देर से आप जो है ये सिंगिंग कर रहे हैं? मैं तो बचपन से ही सिंगिंग में जुड़ा हूँ, क्योंकि हमारे सुभाष ब्राह्मण जी हैं, हमारे सारे हैं, ये इन्होंने मुझे इस लाइन में डाला है। अब अच्छा लगता है, इनके साथ हम जाते हैं, दूर दूर गए हैं। अब अच्छा तो कैसा लगता है जब इस तरह के फेस्टिवल्स जो हैं किए जाते हैं और आप जैसे जो आर्टिस्ट हैं उनको मौका मिलता है अपने आप को जो है लोगों को दिखाने का? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम अपनी परफॉर्मेंस जो है वो दूर दूर तक पहुँचाएँ, ऐसा लगता है। अभी आपने एक जो है भजन यहाँ पर गाया, तो अंदर जो आप अभी रिप्रेजेंट करके आए हैं, जो आपने प्रेजेंटेशन दी है उसमें भी आपने भजन गाया या कोई और गाना जो है आपने गाया है? नहीं मैम, वो वहाँ पे हमने भजन नहीं गाया, वहाँ पे हमने डोगरी सॉन्ग गाया है, डोगरी फोक सॉन्ग, वो भी हमारे सुभाष ब्राह्मण जी के लिखा हुआ गाना था, वो हमने अंदर पेश किया था वो। ओके, कितने टीम मेम्बर्स थे आपकी टीम में? 8। ओके, तो एक दो चार लाइनें हो जाएँ जो आप अंदर गा के आए हैं। हाँ मैम, गा के बता दीजिए। ओ आई गे दिए हो कोरोना महामारी लोगों को, इस रोग दी हो कोई ना लाज कारी लोगों को। ये इस रोग दे सा खंग ते बुखार लोको, दसो डाक्टरें की जादू लक्षण आन बार लोको। खूब, तो सेटिस्फाइड हैं जिस तरह की परफॉर्मेंस आप अंदर देकर आए हैं? हाँ मैम। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो यहाँ पर आपने बात की जो है डोगरी फोक जिन्होंने यहाँ पर गाया है, और अपनी टीम को जिस तरह से लेकर इन्होंने यहाँ पर परफॉर्मेंस की आपने वीडियो में भी देखा, तो इसी तरह के और टैलेंट को लेकर हम फिर लौटेंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी कैमरा पर्सन नेहरानी को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए NH1 न्यूज़।